बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो CDA सेक्टर हों, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हों या प्राइवेट टाउन हों, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हम लोग। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, उनके नेगेटिव पॉइंट्स, साइट विज़िट, वहाँ पे बुकिंग का या प्लॉट परचेज करने का, सेल करने का प्रोसेस क्या है, सारी तफसील हम यहाँ पे शेयर करते हैं। और आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी मेन GT रोड के ऊपर, टेक्सला से थोड़ा सा पहले। बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट है, B17 मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और बड़ा ही खूबसूरत एक मंजर है इनके मेन गेट जो है। और आज आपको साइट विज़िट करवाएंगे, B17 मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका साइट विज़िट करवाएंगे। बड़ा खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप आगे आपको विज़िट करवाएंगे। आप ख़ुद भी एक अपना भी बताइएगा कि आपको ये विज़िट कैसा लगा। मैं समझता हूँ इस वक्त कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जितनी भी हैं, सबसे खूबसूरत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मल्टी प्रोफेशनल है। और मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका सबसे पहली जो अलाटमेंट थी वो E11 सेक्टर के अंदर थी, और उसके बाद उन्होंने अलाटमेंट की F17 सेक्टर जो फतेहजंग रोड के ऊपर है, तरनौल फाटक के साथ ही है बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने ये अलाटमेंट की थी B17 सेक्टर में, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है आपका। मैं समझता हूँ ये तकरीबन एक सेक्टर नहीं है, ये 4-5 सेक्टर मिला के जो है वो आपका एक सेक्टर बनता है। अभी हम लोग B17 में इन हुए हैं, मेन गेट हैं, GT रोड के ऊपर दो गेट हैं और पहला गेट नंबर 1 जो है हम लोग इन हुए हैं। और जो ही हम इन हुए हैं तो हमारे दोनों साइड पे B ब्लॉक आ रहा है। ये आपके इस साइड पे भी जितनी आपके रेजिडेंशियल एरिया है वो भी B ब्लॉक है, और इस साइड पे भी B ब्लॉक है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ जी, B17 जो है उसमें A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, उसके बाद C ब्लॉक है, C एक्सटेंशन है, और उसके बाद D है, और F और G ब्लॉक तक जो है वो इसके प्रॉपर ब्लॉक्स के हिसाब से इसकी अलाटमेंट है। रेजिडेंशियल प्लॉट है, यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट हैं, बड़े भी प्लॉट हैं, कनाल के भी हैं, 10 मरला के भी हैं, कमर्शियल भी हैं। तो वो सारी तफसील जो है आने वाले टाइम में, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, मोस्ट वेलकम। आप अगर B17 के कोई प्राइस के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, आप अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ सर्विसेज देंगे, प्रॉपर ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड और प्रॉपर सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके देंगे। और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ करके दें। मरगला एवेन्यू बनने के बाद उसका जो ऐलान हुआ है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने, उसका संग बुनियाद भी रखा है। उसके बाद जो है वो सबसे जो अच्छा फ़र्क पड़ा है, आप ये समझें कि सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट बनने जा रही है वो B17 मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये आपकी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, और मैं समझता हूँ F10, F11, E11 के बाद सबसे खूबसूरत अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा मरगला एवेन्यू के साथ जो है, तो वो आपका होगा ये मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और ये इस वक्त हम लोग राउंड अबाउट पे हैं, और राउंड अबाउट से हम लोग इस साइड राइट हुए हैं, तो हमारे जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे हमारे C ब्लॉक आ गया। अब हमारे राइट हैंड पे आपका B ब्लॉक है, बड़ा खूबसूरत लोकेशन है इसकी, और लेफ्ट हैंड पे जो है वो C ब्लॉक है। बहुत बड़े यहाँ पे शॉपिंग मॉल आप देख रहे हैं, दूर से आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े शॉपिंग मॉल बने हुए हैं यहाँ पे, और बड़े ज़बरदस्त इसकी जो है वो ये पार्क है, देख सकते हैं B17 मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ये पार्क है, बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, और आज बड़ा प्यारा मौसम था तो हमने कहा चलें आपको B17 जो सेक्टर है उसका साइट विज़िट आपको करवाते हैं। और इसमें जी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा चांस है। सामने आपके मरगला हिल्स आ गई हैं जी, और मरगला हिल्स की दूसरी साइड पे जो है वो फैसल हिल्स के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और इधर ही मरगला हिल्स से पहले जो है B17 और मरगला हिल्स के साथ जो है फैसल मरगला सिटी है। ये फैसल हिल्स और फैसल मरगला सिटी जो है ये दोनों चौधरी मजीद साहब के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, वो भी बड़े खूबसूरत हैं। कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन दें कि वहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा है, और कौन से ब्लॉक्स हैं, और वहाँ पर क्या प्राइस हैं। कोशिश करेंगे उसका साइट विज़िट भी आपको दिखाएं। ये जो दूसरा राउंड अबाउट आया, दूसरा राउंड अबाउट से हम लोग लेफ्ट होंगे, और
जब हम लेफ्ट होंगे तो आपके दोनों साइड के ऊपर जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे सी ब्लॉक आएगा और राइट साइड पे जो अलाटमेंट आएगी वो सी ब्लॉक एक्सटेंशन की आएगी, सी वन उसको कहते हैं, सी वन एक्सटेंशन की अलाटमेंट आएगी। और रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं, कमर्शियल प्लॉट भी हैं। ये आपके सामने बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है। बड़ी जी स्पीड के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोग अपने घर बना रहे हैं और मैं समझता हूँ यहाँ पे सर्विसेज भी कंप्लीट हैं। बड़ा खूबसूरत उन्होंने रोड्स का नेटवर्क बनाया हुआ है, डेवलपमेंट बड़ी मेयरी लग रही है। और इसके अलावा ये देखें, बड़ा खूबसूरत घर किसी ने बनाया, मेरे ख्याल में एक कनाल के ऊपर ये घर बना हुआ है। मरगला एवेन्यू से जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मरगला एवेन्यू आपकी बनना स्टार्ट होगी और मरगला एवेन्यू से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बी 17 सेक्टर को होगा। और मैं समझता हूँ कि मेन इस्लामाबाद से बी 17 अगर मरगला एवेन्यू से हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगी, जब हम मरगला एवेन्यू से सफ़र करेंगे तो आपकी F10 इस्लामाबाद जो मेन आपका इस्लामाबाद है वहाँ से बी 17 तक आने तक मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट की ड्राइव आपकी होगी, शायद 10 से 12 मिनट से भी कम टाइम में जो है वो आप बी 17 में पहुँच जाएंगे। और आप ये समझें कि E11 के साथ ही आपका बी 17 सेक्टर आ गया, तो ये बड़ी खूबसूरत आपकी लोकेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सर्विसेज, इसकी डेवलपमेंट बहुत क्लास की है, रोडें बहुत खुली हैं। आप ये देख लें, ये डबल रोड है, ये आम जो नॉर्मल एक डबल रोड है वो है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें इस साइड पे भी आगे अब सी एक्सटेंशन ख़त्म हो गई है। अब आपका आ गया जी ये राइट साइड पे आपका डी ब्लॉक आ गया, राइट साइड पे भी आपका डी ब्लॉक आ गया और लेफ्ट साइड जो है उसके ऊपर भी डी ब्लॉक आ गया। तो ये मेरी कोशिश है जी, आज इस वीडियो में मैंने आपको मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके तीन ब्लॉक जो हैं, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी, इन ब्लॉक्स का आज मैंने आपको विज़िट करवाया। और अब मैं कोशिश करूंगा कि जो दूसरी वीडियो, चूँकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, दूसरी इसी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूँगा, उस वीडियो में मैं ए ब्लॉक से शुरू करूँगा, चूँकि ए ब्लॉक का दूसरा गेट है, कोशिश करूँगा वो गेट भी आपको दिखा दूँ। और उस गेट से मैं शुरू करूँगा और मैं आपको ले कर जाऊँगा जी ब्लॉक तक। तो मोदी नाज़रीन, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है जी, मोस्ट वेलकम। आपको किसी किस्म की भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, बहुत बहुत शुक्रिया।